I have indicated in my opening remarks that I am not going to be a candidate for the prime ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. The party's strength lies in the voice of those it represents. We will listen to those voices. राहुल गांधी ने कभी कहा था कि वो देश की आवाज सुनते हैं, और हाल ही में दिए एक अखबार को इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का जीतना जरूरी है और जीत के बाद जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा वो निभाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या राहुल गांधी नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं? क्या राहुल गांधी अभी और इंतजार करेंगे? क्या राहुल गांधी को लेकर यूपीए के दूसरे दल तैयार नहीं? क्या राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में एक राय नहीं? क्या राहुल गांधी की रणनीति कुछ और है? राहुल गांधी को बेशक कांग्रेस पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी बातें हुई जो राहुल को कांग्रेस के भीतर बिना ताज का सरताज होने का ऐलान करती है। सूत्रों के मुताबिक टीम राहुल में नई और पुरानी दोनों ही पीढ़ी के लोग होंगे। जहां नई पीढ़ी के लोगों के ऊपर मीडिया और संगठन की जिम्मेदारी होगी, वहीं पुरानी पीढ़ी के लोग रणनीति तैयार करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी के घर का पता है 12 तुगलक लेन। राहुल गांधी यहीं रहते हैं। सुर्खियों में था कांग्रेस के युवराज हैं, लेकिन अचानक से इस घर को कांग्रेस में 10 जनपद जैसी तवज्जो मिलने लगी। बड़े फैसलों को लेकर मीटिंग 12 तुगलक लेन पर होने लगी। पहली बार 12 तुगलक लेन पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की, और उस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो ये कयास भी लगे कि कहीं प्रियंका तो कांग्रेस की कमान नहीं संभालने जा रही, लेकिन कुछ दिनों में ये बात भी ठंडी हो गई। प्रियंका जी रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, इन तीन पार्लियामेंट सीट में कैंपेन करती रही हैं, जहां वो अपने भाई और अपनी माता जी के लिए कैंपेन करती हैं, और उसी के कैंपेन के लिए उन्होंने तीन पार्लियामेंट सीट के लिए शायद मीटिंग बुलाई होगी। मैं तो वहां था नहीं तो ज्यादा, लेकिन जनार्दन द्विवेदी जी का मैंने बयान पढ़ा, देखा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो अपने माता जी के लिए और भाई के लिए वे कैंपेन करती रहती, उसी के संदर्भ में उन्होंने बुलाया था। अब बात आती है 12 तुगलक लेन पर होने वाली हलचल की। सूत्रों की माने तो 12 तुगलक लेन पर ही लोकसभा चुनावों के अहम फैसले लिए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि एसपीजी सुरक्षा की वजह से प्रियंका गांधी के लिए रोज रोज 15 जीआरजी जाना मुश्किल है, इसीलिए अब वॉर रूम को 15 जीआरजी से शिफ्ट करके 12 तुगलक लेन यानी राहुल गांधी के घर से ही चलाया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी के घर पर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसे साफ है कि पीएम प्रोजेक्ट बेशक ना हो, लेकिन ऐसे कहीं से कम नहीं होगी। तभी तो कांग्रेस वॉर रूम को शिफ्ट कर दिया गया। 15 जीआरजी में था पहले कांग्रेस का वॉर रूम, वॉर रूम को 12 तुगलक लेन पर शिफ्ट कर दिया गया। वॉर रूम की कमान प्रियंका संभालेगी। वॉर रूम पैनल के 36 लोगों में से 14 को हटाया जाएगा। राहुल गांधी के घर पर जिस तरह से गहमा गहमी बढ़ी है, वो ये साफ बताती है कि कांग्रेस में उनका कद अब शायद काफी बड़ा हो चुका है। कांग्रेस के वॉर रूम को अब 15 जीआरजी से शिफ्ट करके 12 तुगलक लेन यानी राहुल गांधी के घर पर बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति अब यहीं से बना करेंगी और खुद प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से रहकर इसको मॉनिटर करेंगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।